हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। और आज की सूचना हमें सिरौली गोसपुर तहसील से आकाश गोस्वामी जी और प्रदीप वर्मा जी के द्वारा दी गई। ग्राम मोहरिया खजूरी के आगे पड़ता है, वहाँ पर जो है कोटवा धाम रोड पर, वहाँ पर एक गाय थी, उसके सींग में जो है चारों तरफ से किसी ने रस्सी लपेटी हुई थी और वो रस्सी की वजह से इसके सींग के चारों तरफ से वो रस्सी बैठ गई थी, अंदर एक एक डेढ़ डेढ़ इंच घुस गई थी। तो उस रस्सी को काटने के लिए हम लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद इसको जो है ग्रामीणों की मदद से पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इसकी रस्सी काटी गई और रस्सी काटने के बाद इसको उपचारित करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उसमें घाव में कीड़े भी थे और सड़न होनी शुरू हो गई थी और इसकी जान पर आ गई थी, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव जगह होता है, सींग के आसपास का पोर्शन, गर्दन के ऊपर का पोर्शन, चाहे व्यक्ति को हो चाहे जानवर का हो, यहाँ पर इस क्योंकि इसी के आसपास जो है दिमाग होता है, और वहाँ पर अगर मैगेट्स और सड़न पहुँच गई, इन्फेक्शन पहुँच गया, तो जानवर का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको पकड़ कर और एंटीबायोटिक दवाओं से, विटाडीन इत्यादि से इसकी धुलाई की गई, साफ़ सफाई की गई चारों तरफ से, और देखिए मेरी पूरी उंगली उसमें घुस जा रही है, इसके जो सींग के पीछे का पोर्शन है। तो बड़ी मेहनत की, गांव के सभी लोगों ने, दादा लोगों ने इतनी मेहनत की कि जिसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अवस्था का ख्याल नहीं किया कि हमको चोट लग जाएगी पकड़ने में इसको या इसको दबाने में। और हमारे नौजवानों को समाज के ऐसे बुज़ुर्गों से, ऐसे अपने अग्रजों से सीखना चाहिए कि कैसे सेवा भाव से कार्य किया जाता है, कैसे जीव जंतुओं के प्रति, पशुओं के प्रति सहानुभूति रखी जाती है, गौवंश के प्रति। और दादा लोगों का व्यवहार सुनकर, उनसे बात कर, उनकी फीलिंग्स जो थी उनको सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, हमारे समाज में ऐसे हमारे बुज़ुर्ग हैं, ऐसे हम लोग के संरक्षक हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, मोहरिया गाँव के प्रत्येक नागरिक का बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। प्रदीप भैया का बहुत धन्यवाद जिनकी तत्परता से इसका उपचार हुआ, वरना ये गाय जो है कुछ समय के बाद बचती नहीं, इसको बचाना मुश्किल हो जाता। इसको उपचारित किया गया, होता क्या है कई बार हम लोग देखते हैं, देखकर अनदेखा कर देते हैं, वरना इतनी नौबत ही नहीं आती इस स्थिति की। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में अभी जागरूकता की कमी है, लोगों को चाहिए कि जैसे कि हम लोग को अधिकार मिले हुए हैं, वैसे ही इनको भी जीने का अधिकार। उस जीने के अधिकार में हम बाधक नहीं बन सकते, हम इंसान बाधक क्यों बने? ईश्वर की बनाई सृष्टि है, उसमें बाधक नहीं बने, उसमें सहयोग कर सके तो सहयोग कर दे। संवर्धन का भी हमारा दायित्व तो भी है, हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य भी हैं और संवैधानिक कर्तव्य भी है अपने देश के प्रति, अपने देश के पशुओं के प्रति। तो जो आसपास हमारे नौनिहाल खड़े हैं, देखिए ये भी हम लोग के कार्य को देख रहे हैं, और भविष्य में जो उद्देश्य है हम लोगों का, हमारे साथ लगे टीम में लोगों का, कि हमारे नौनिहाल भी हम लोग के कार्यों को देखें और आगे, क्योंकि ये कर्णधार हैं, ये आगे इन कार्यों को आगे ले जाएंगे, इसलिए इनका देखना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर सहभाग करवा सकें तो इनका सहभाग भी बहुत आवश्यक है। और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।